सिमरन बेटा, पापा, तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। और नहीं तो क्या पापा, क्या करूं? अचानक लंदन जाना पड़ रहा है, सुबह सुबह की फ्लाइट थी इसलिए तुम्हें फोन करके जगाना नहीं चाहता था। तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। पहला तो ये कि मैंने संजीवनी से रिजाइन क्यों किया? मजबूर था बेटा, राहुल की शर्त ही ऐसी थी। क्यों करता है राहुल ऐसा पापा? क्यों करता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको मजबूर करने की, मेरे पापा को मजबूर करने की? उस दो टके की चूही के लिए उसे जवाब देना होगा पापा, जवाब देना होगा। अब ये सब जानने के बाद राहुल से कुछ मत कहना, क्योंकि राहुल के सामने अनजान बने रहना, मासूम बने रहना ही तुम्हारा असली शस्त्र है। Innocence is my biggest weapon. Right, Papa? कामयाबी पाने के लिए कोई उसूल नहीं होता, और कामयाब इंसान का सबसे बड़ा मंत्र है किसी की ना को हाँ में बदलना। तुम्हें इसी मंत्र पे महारत हासिल करनी होगी सिमरन। आज के बाद मैं हर ना को हाँ में बदलूंगी पापा। और मैं आपका बदला जरूर लूंगी। I promise you, पापा। डॉल ने छटके से दवाई पी ली थी। Come on, open your mouth. Good girl. और वो छटके से ठीक हो गई। Very good girl. अभी सो जाओ, ओके? Eyes close करो. Close your eyes. Yes. Close, close, close. Close your eyes. Come on. Good girl. जूही, आज संजीवनी में आते ही मैं सबसे पहले तुमसे मिलना चाहती थी। पता है क्यों? क्योंकि एक साल पहले यही हमने अपनी करियर की शुरुआत की थी एक साथ। आज मैं अपना नया करियर शुरू करने जा रही हूं जूही, और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जूही याद है हम दोस्त थे? याद है सिमरन, मुझे सब कुछ याद है। और अफसोस की बात यह है कि उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो भी मुझे याद है। मैं डर गई थी जूही, मैं बहुत डर गई थी। तुम डॉक्टर हो ना, तुम किसी की जान की कीमत समझ सकती हो। जूही, राहुल मेरी जान है, बचपन से था। मुझे लगा तुम उसे मुझसे छीन लोगी, इसलिए मैं डर गई थी जूही।
और अब तुम्हारा डर खत्म हो गया? डर से ज्यादा भरोसा है तुम पर। जूही, मैं जानती हूं तुम अपने छोटे शहर के संस्कारों को नहीं भूल सकती। तुम राहुल से प्यार कर सकती हो, लेकिन मेरे पति राहुल से नहीं। जूही, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं यार, बस मैं अपने प्यार को नहीं शेयर कर पाती। जूही, मुझे एक दोस्त की कमी बहुत महसूस होती है। जूही, अब देखो ना, राहुल शादी से पहले मेरा दोस्त था, अब वो सिर्फ पति है। पहले तुम भी मेरी दोस्त थी जूही, छोड़ो इन सब बातों को। कहते हैं ना कि किसी शुभ मौके पर मिलने से सारे शिकवे दूर हो जाते हैं। जूही, मैं चाहती हूं कि इस बार तुम हमारे घर आओ होली के लिए। जूही प्लीज मना मत करना, प्लीज मना मत करना, मुझे एक और मौका दे दो। ऑफ कोर्स हम जरूर आएंगे, क्योंकि जब आप जैसी खूबसूरत और आप जैसी खूबसूरत लड़की जब प्लीज बोलती है तो मैं आंखें बंद करके हाँ कह देता हूं। तो आपको आंखें खुली रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। एनीवेज देखो, तुम जरूर आना, आओगी ना? और आप भी प्लीज आइएगा। हम आएंगे भी और रंग भी लगाएंगे। जूही, मैं तुम्हारे इंतजार करूंगी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मे आई कम इन? थैंक यू। बैठिए। नहीं सर, सिट डाउन सिमरन। थैंक यू सर। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाऊंगी। एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हूं, ऐसा लगता है आज मेरा पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर और ट्रस्टी में फर्क तो होता है ना सिमरन? बिल्कुल सर। अब देखिए ना, मैंने आप लोगों से डॉक्टर बनने की तालीम ली है। अगर मैं सिर्फ डॉक्टर होती तो मेरे लिए कितना आसान होता, लेकिन आज मेरे पापा की उम्मीदों ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया है। कभी कभी सर अपनी काबिलियत पे शक होता है। हमारे पेरेंट्स हमें इतना ज्यादा काबिल क्यों समझते हैं सर? काबिल समझते हैं या चाहते कि काबिल बन जाएं? शायद इसलिए मुश्किल रास्ते पे चलने को मजबूर कर देते। राइट सर। सिमरन, यू नो, बच्चों को खुद इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो सही और गलत रास्ता पहचान सके। आप सही कह रहे हैं सर। अब देखिए ना, मैं अपने घर में बहुत खुश थी सर, अचानक से ना चाहते हुए मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई। आप जिस तरह से किसी भी इंटर्न को डॉक्टर बनने पे समझाते हैं,
उसे सलाह देते हैं, उसे सही रास्ता दिखाते हैं। मैं चाहती हूँ कि प्लीज मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं सच्चे मन से संजीवनी की सेवा कर सकूं। सिमरन, ईमानदारी से मेहनत करोगी तो कामयाबी तुम्हें जरूर मिलेगी। सो स्वीट ऑफ यू सर। सर जानते हैं, संजीवनी में हर कोई आपकी नजर में उठना चाहता है। मैं भी सब। सिमरन, जो खुद अपने आप से नजरें मिला सकते हैं, उन्हें दूसरों की नजरों में उठने की जरूरत नहीं पड़ती। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सही कहते हैं आप। अब देखिए ना, मुझे पिछले 10 मिनटों में आपसे कितना कुछ सीखने को मिल गया। सर, वो डैडी जी ने आपके लिए मैसेज भिजवाया है, कहा है घर में होली की पार्टी है, तो आप, मैम और अंजलि जरूर आइएगा। जरूर आएंगे ना सर? जरूर आएंगे। थैंक यू सर, मैं चलूं। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। दैट्स ओके। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।